नमस्कार बलिया लाइफ की बतकही में वसुधर पा ब्लॉक पर आपका स्वागत है मैं विजय शंकर पांडे ददरी मेला बलिया की पहचान है मगर आज अपने वजूद पर आंसू बहा रही है बलिया की पहचान ज्ञान बघारना हो तो आप सीना ठोक कर कह सकते हैं कि चीनी यात्री फाहयान तक ने इस मेले का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है इस मेले में साल अट्ठारह में अर्थात गुलाम भारत में भारतेंद्र हरिश्चंद ने ऐतिहासिक मार्मिक व्याख्यान दिया था मगर आज यह मेला अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है जब जब मेले की चर्चा होती है राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो इसे राजकीय मेले का दर्जा दिलवाने की जरूरत बताते हैं इस बार भी जिले के दोनों मंत्रियों ने गदरी मेले में पहुंचकर इसके लिए हुंकार भरा मगर नतीजा टाए टाए फीस तीन दिन बाद मंगलवार को मेले का समापन हो जाएगा अपर जिलाधिकारी राम आश्रे ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर तीन दिसंबर दिसंबर तक ही मेला लगाए जाने का निर्देश जारी किया है मगर इसे राजकीय मेले का दर्जा दिए जाने पर चुप्पी बरकरार है जाहिर है अभी भी मामला ठंडे बस्ते में है कम से कम अभी तक इसे राजकीय मेले का दर्जा देने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है चिंता की बात तो यह है कि यह मेला धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है साल 2000 में 113 से 120 एकड़ भूमि पर लगने वाला मेला आज सत्तर एकड़ में सिमट कर रह गया है किसी दौर में देश भर के पशु व्यापारी यहाँ आकर खरीद फरोख्त करते थे मगर अब इसे आप सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे कारण मेला भूमि पर लगातार कंक्रीट का जंगल को विस्तार दिया जा रहा है हर साल वहाँ खड़े होने वाले मकान मेले को समेटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे जानकारों की माने तो बीते डेढ़ दशक में करीब 43 एकड़ मेले का क्षेत्रफल घटा है सब कुछ गवाने के बाद भी जिला प्रशासन और जिले के सियासी धुरंधर धनुर्धर कान में तेल डालकर सोए हुए हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े पशु मेले में पहले जैसी रौनक नहीं दिखती बस औपचारिकताएं जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जा रही हैं सच्चाई तो यह है कि पूर्वांचल की साख और बलिया की पहचान नंदीग्राम पशु मेला आज अपने वजूद पर आंसू बहा रहा है संकट गहरा गया है मामला केवल ददरी मेले तक ही नहीं सिमटा है प्रशासन अगर नहीं चेता तो बलिया के इब्राहिमपुर में लगने वाला ढाई साल पुराना संत सुदिष्ट बाबा के नाम पर लगने वाला पशु मेले का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा एक दशक पहले तक इस मेले में रौनक देखते बनती थी इस मेले में लाखों रुपए का राजस्व तो मिलता था लेकिन पशु व्यापारियों की माने तो कुछ वर्षों से पुलिस उत्पीड़न बढ़ गया है मेले की सुविधाएं घट गई हैं इसके चलते मेले में भीड़ आधी हो गई है आधुनिकता की अंधी दौड़ के चलते अपनी परंपराओं को सहेजने और सवारने का चलन अब नहीं रहा मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह परंपराएं ही हमें जोड़ती हैं हमारे सामाजिक दायरे का विस्तार करती हैं देखिए ना इतिहास बन गया बिहार के बेतिया का हजारी बैल मिला। अब हजारी का वजूद भी संकट में है इसी तरह बेरुआर बारी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन चटनिया मेला लगता था जिसे देखने के लिए जिले के कोने कोने से लोग आते थे मेला तो आज भी है लेकिन वह रौनक गुम है पेरुआरबारी गांव में दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित प्राचीन भव्य शिव मंदिर और विशाल पोखरा आज अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए जूझ रहा है ददरी मेला गंगा की जलधारा को अविरल बनाए रखने के ऋषि मुनियों के प्रयास का जीवंत प्रमाण है लेकिन यह भी सच है कि वैदिक काल से ही इस क्षेत्र की उपेक्षा भी होती रही है भृगु की धरती का जो धार्मिक हक है वह आज तक नहीं मिल सका है धन्यवाद